अल्मोड़ा में संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा नवनियुक्त कार्यकारी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा कि जिस तरह से संविधान के साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, वह देश हित में नहीं है। जिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनपद में संगठन को न्याय पंचायत स्तर से जोड़कर आने वाले पालिका और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज हम संविधान दिवस की का कार्यक्रम यहाँ पर बड़े उत्साह से हमारे अल्मोड़ा जनपद की कांग्रेस कमेटी मना रही है, और मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और सारे प्रदेशवासियों से ये विनती भी करना चाहता हूँ, संविधान में निहित सारे बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से बात करते हुए हमारा संविधान जीवित रह सके, उसके अनुसार देश चल सके, ये आज के दिन हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और कहीं कहीं पर मैं ये मानता हूँ, आज़ादी के बाद लंबे समय के बाद इन दिनों जो है वर्तमान समय में संविधान के कुछ बिंदुओं का बहुत बड़ा उल्लंघन भी हो रहा है, जो हमारा लोकतंत्र था उसको भी दरकिनार करके उसके भी विपरीत काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आज सबसे अधिक जो कमज़ोर हुआ है वो हमारा चुनाव आयोग कमज़ोर हो गया, ये स्पष्ट है। और इस देश में लोकतंत्र को लागू किया संविधान के आधार पर, और ये स्पष्ट था कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, उसके लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग काम करेगा, लेकिन आज उसमें भी राजनीति हो रही है और इसकी वजह से तमाम कमियाँ आ गई हैं। तो इससे लगता है कि कहीं कहीं जो संविधान बना है उसमें कुछ लोग बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए इससे सचेत होकर के हमको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, यही प्रदेशवासियों ने निवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि आप भी देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरी पदयात्रा अपनी निकाल रहे हैं, उसी क्रम में आज हमने भी पदयात्रा के तहत ही कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। और जो संगठन में जो हमारे यहाँ पे कमियाँ रह गई थी, जो संगठन हमारा कमज़ोर है, उसको हम जमीन के स्तर से भी, गाँव के स्तर से उठाकर, न्याय पंचायत के स्तर से उठाकर, जिला स्तर पर भी एक मजबूत संगठन अल्मोड़ा जिले में तैयार करने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारे कांग्रेस को मजबूती मिल सके। हमारी प्राथमिकता अभी नगर पालिका के चुनाव होने हैं, अगले वर्ष हमारे लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी, कैसे हम संगठन को मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत करने का हम काम करेंगे।